हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीटॉक ब्लॉग्स में। फेस्टिवल के सीजन शुरू हो गए हैं और हम घर में होममेड मिठाइयां तो ज़रूर बनाते हैं और मिठाइयों में हम सबसे ज़्यादा मिल्कमेड का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज घर पे मिल्कमेड बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए होममेड मिल्कमेड बनाना शुरू करते हैं। मिल्कमेड बनाने के लिए देखिए गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख लिया है और अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। तो इस कप से मैं 3 कप दूध ली हूँ। तो दूध मैंने गर्म कर लिया था पहले ही, तो अब कढ़ाई में मैं दूध डाल रही हूँ और अब इसमें मैं डालूँगी चीनी। तो 1.25 कप चीनी डाल रही हूँ। तो पहले 1 कप और 1/4 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और अब चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहना है तब ये मिल्कमेड अच्छा बनता है। तो इसको देखिए मैं कंटिन्यू चला रही हूँ और चीनी हमारी घुल गई है अच्छे से। तो बस अब इसको हमें पकाना है। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। दूध हमारा इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो देखिए अब ये थोड़े थोड़े दूध जो हैं जलने लग गए हैं। थोड़ा टाइम हो गया है इसको पकते हुए, अभी थोड़ा और पकाएंगे इसको। तो इससे देखिए मैं कंटिन्यू चला रही हूँ उसको। तो ये देखिए हमारा मिल्कमेड जो है बनना शुरू हो गया है, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। चम्मच से भी आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर और चलाएंगे और साइड को किनारे को निकालते रहेंगे। तो देखिए हमारा मिल्कमेड जो है अच्छे से गाढ़ा हो गया है, जितना हमें गाढ़ा चाहिए, बस इतना ही गाढ़ा चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं चाहिए। अब गैस बंद कर देंगे। तो देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसमें मैं 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बस थोड़ा सा डालना है और इसको हिलाते रहना है। तो कंटिन्यू देखिए साइड साइड में फोम जैसा हो गया है। तो अब इसको चलाते रहेंगे और 2 मिनट तक इसको कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है तो इसलिए 2 मिनट तक चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाएगा। तो ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो बनाया ना एकदम मार्केट जैसा मिल्कमेड। तो देखिए मैं आप लोगों को चम्मच से भी दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बना है। और बस अब मैं एक कटोरी में इसको निकाल रही हूँ। तो इस तरह से ये मिल्कमेड घर पे हमारा बना है। तो ये देखिए एकदम मार्केट जैसा लग रहा है, तो मार्केट से क्यों खरीद के लाना, घर पे ही इसको बनाना। तो इस तरह से इस बॉटल में भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो 1 महीना आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।